थैंक यू, हाउ स्वीट ऑफ यू। तुमने फिर से हलवाई की दुकान खोली, बंद करो अपनी हलवाई की दुकान, बंद करो मुझे स्वीट बुलाना। फाइन, स्वीट। प्री, तुमको ना स्वीट नहीं। स्वीट, तुम स्वीट हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। स्वीट, अब अगर स्वीट कहा तो आज रात। तो आज रात क्या? दोबारा कभी स्वीट नहीं बोल पाओगी। सबके सामने, संगीत में। इतनी बुरी तरह से शर्मिंदा करूंगा? अच्छा, इतनी हिम्मत कैसे? पूरी दुनिया के सामने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स का ढिंढोरा पीट दूंगा, समझी? हेलो। और मैं सोच रही थी ऐसे बोल रहे थे जैसे जब तक फीलिंग्स की बात है तो ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, तुम्हारे मुंह में आम कच्चा, जब भी अच्छा कहते हैं ना तो ऐसे ही कहते हैं। और रही बात टॉपिक की, तो मैं सबके सामने बोलूंगी मेरी फीलिंग्स के बारे में, तुम कहोगे उसके पहले। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। अगली शर्त देख लेना। देख लेंगे। दिल फरोशी की तमन्ना अब हमारे सिर में है, देखना है जोर कितना मलिक आए घर में। अगर तुमने कर दिखाया तो तुम जीती। तो जो मैं कहूंगी वो करना पड़ेगा। और अगर मैं जीता तो? तो जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। वो तो तुम ऐसे भी करती हो। जी, गद्दे के साथ वो चादरें भी भेज दीजिएगा और वो कुशन वाली कुर्सियां, लोगों के बैठने के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा। जी कल आ जाइए, कल शाम। लेकिन माफ करिएगा, एडवांस में पैसे मैं आपको आधे ही दे पाऊंगा, बाकी का जैसे ही इंतजाम होता है मैं आपको बताता हूँ। अरे तू क्या कर रही है? वो मैं माँ को देखने के लिए आई थी। माँ? अरे माँ, आप अंदर जाके रेडी हो जाइए, रोमा ने आपके लिए। हाँ हाँ, सब पता है मुझे। कृष्णा, ये सब क्या है? मुझे ये पार्लर वार्लर भेजने की क्या जरूरत है? माँ, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। करेक्ट। दुल्हन को सिर्फ फॉलो करना है। जल्दी जल्दी मुझे कपड़े दीजिए, ये कपड़े मैं संभालूंगी, आप जल्दी से अंदर जाइए। हंस लीजिए, हंस लीजिए, आपको जितना हंसना है ना हंस लीजिए, क्योंकि इसके बाद हंसने की बारी मेरी है। रोमा आपको भी पार्लर भेजने वाली है। मैं हंस क्या? अरे मैं हंस नहीं रहा था। अरे आप कब आए टूर से? मैं वो पद्मिनी जी के पास जाकर आ रही हूँ। क्यों, आप वहां क्या करने गई थी? उस पद्मिनी को दूसरी शादी की बधाई देने? बुढ़ी घोड़ी लाल लगा, नानी बनने की उम्र है और खुद दुल्हन बन बैठी। आपको पता है पूरी दुनिया उनके नाम पर थू थू कर रही है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डैडी जी, और यहाँ पर मैं प्रेस वालों को जवाब दे देकर थक चुका हूँ। फोन पर फोन आ रहे हैं उनके, क्या बोलूं? सिक्की, रिशु स्टेटमेंट दे चुका है, प्रेस में कोई इस बारे में बात नहीं करेगा बेटा। वैसे बढ़िया इरादा ये, रिश्ते में तो हम आपके उस रिशु के बाप लगते हैं, लेकिन बेटे का प्यार तो छोड़िए, वो हमारी इज्जत हमारा आदर ही नहीं करता। और वहां सास ससुर की शादी में शहनाइयां बजवा रहा है, दुनिया वालों से उन्हें बचा रहा है। वाह कुकु जी, मेरा रिशु करवा रहा है ये सब, अब वो प्यार और रिश्तों का मतलब समझने लगा है। माफ कीजिएगा राधा जी, माफ कीजिएगा, अगर आपका रिशु रिश्तों का प्यार का मतलब समझता ना, तो सबसे पहले अपनी माँ की इज्जत करता। वही तो समझाने वाली थी मैं आपको, पहले पहले पापा का प्रसाद लीजिए। रुकिए, हमेशा काम काम काम। तुझे पता है मुझे ना बहुत टेंशन थी, मुझे भाई पे हमेशा डाउट था, पता नहीं शादी करेगा नहीं करेगा, क्या होगा भाई का, पर तूने भाई को संभाल के ना मेरे पे बहुत बड़ा उपकार किया। थैंक यू मदर इंडिया, हमारी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू, हमें संभालने के लिए थैंक यू, हमारी मदर इंडिया बनने के लिए थैंक यू। और ये रोमा, ये मैं खुद सिद्धिविनायक जाकर लाई थी, बहुत सालों पहले गणपति पापा को छूकर लाई थी। मैं सोचा था कि जिस दिन मेरे भाई की जिंदगी में भाई को संभालने वाली आ जाएगी ना, मैं उसको दूंगी। मदर इंडिया, ये बिशक पुराना डिजाइन है, पर तू पहनना जरूर हाँ, क्योंकि ना जो भी है ना दिल से। ये थाली आपने गिराई है? नहीं ना, तो फिर आप क्यों उठाएंगी इसे? इसे अब वही उठाएगा जिसने गिराई है। ओ यार के, क्या बकवास है ये? हीरो होगा तो स्क्रीन पर, लेकिन घर पर तो तू चिक्के। तुम तो स्क्रीन पर भी हीरो नहीं है ना, इसीलिए ऑफ स्क्रीन भी वही डायलॉग मारेगा जो ऑन स्क्रीन हीरो है। सो प्लीज शट अप, प्लीज। माँ, अब ये मैं देखूंगा। मुन्ना पाटिल, ये जो घर में सेकंड हैंड फर्नीचर सड़ रहा है और इस घर के लुक को भी खराब कर रहा है, इसे या तो घर से बाहर या फिर घर की किसी अंधेरे कोने में उठाकर फेंक दो। और हां, संभाल के, ये फर्नीचर आवाज बहुत करता है। लेकिन डैडी जी, फर्नीचर तो एकदम नया है, ये फेंकवा क्यों रहे? उल्लू के पट्टे, वो पुराने फर्नीचर की नहीं, हमको फेंकवाने की बात कर रहा है। खैर, इसे कुछ देर और बड़े रहने दो, तब तक जब तक ये फर्नीचर और बदबू ना फैलाए। जाओ और जाकर संगीत की तैयारियां करो। संगीत? हाँ संगीत। कुक्कू जी, घर के नौकर ज्यादा दूर नहीं पहुंचे हैं, आप ये थाली उठाएंगे या मैं नौकरों को बुलाऊं?
मंगेश उठाता हूँ भाई उठाता हूँ। आइंदा आप मेरी मां से ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, ये मेरा ऑर्डर। आप चाहते थे ना कि मैं अपनी मां से अच्छी तरह बात करूं, अपनापन दिखाऊं। आपने सुना मैंने इन्हें क्या कहा? मां, और आपसे ये थाली उठवाकर एक बेटे का फर्ज भी अदा कर दी। खुश? चल बे। और सुनिए, आज शाम को आरके मैंशन में ससुर जी और सासू मां के शादी के संगीत का फंक्शन है। आप दोनों का तहे दिल से स्वागत नहीं, मजबूरी है तो आप लोग आ सकते हैं और घर के किसी कोने में खड़े हो सकते हैं। फिलहाल आप जा सकते हैं। मां, मैं ये समझ सकता हूं कि आपने दूसरी शादी क्यों की, पर आप मुझसे इन्हें इज्जत देने के लिए और मेरी जिंदगी में एक नाम देने के लिए मत कहिएगा। जनाब एक मिनट, लगाइए लगाइए, जल्दी लगाइए, पसीना क्या छूट रहा है आपका। चलिए। जी हुजूर। रुक क्यों रहा है? बंद का ले कहा है भाई, ऊपर तक बटन लगाइए। पिक्चर का फोटो नहीं देखा क्या आपने? लड़कियों को बहुत पसंद है ये। लगाइए लगाइए। जनाब आप कल शादी कर रहे हैं? हमारे नहीं, हमारी पत्नी की। हम तो केवल डोली को कंधा देने जा रहा है। इसलिए स्पंज लगाइएगा दोनों कंधों पे। करिए। एक मिनट मास्टर जी।